हेलो फ्रेंड्स, आज लंच के लिए मैंने बहुत सारी सब्जी यूज़ करके हेल्दी रेसिपीज़ बनाई हैं। सबसे पहले कच्चा मैंने केला लिया है, उसका छिलका निकाला है और छिलका निकाल कर इसके स्लाइस हमने किए हैं और तुरंत ही मैंने पानी में इसको डाल दिया है क्योंकि ये काला नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने कच्चा बनाना लिया है वैसे आप आलू या फिर स्वीट पोटैटो भी ले सकते हैं। ये सब हमें अच्छे से पानी में डालकर डुबो कर रखना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चावल का आटा, हल्दी, नमक, थोड़ा सा तीखा पाउडर, तेल और थोड़ा सा ही पानी लेके एक बैटर तैयार करके लिया है जिसमें हम ये सभी कच्चे बनाना जो हमने स्लाइस करके रखे थे वो सब इसमें कोट करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 कटोरी चावल लिया है, अच्छे से धोकर डबल क्वांटिटी पानी में इसे भिगो कर रखा है 1/2 घंटे के लिए। ग्रीन पीस यहाँ पे लिया है मैंने 1/2 कटोरी। तो ग्रीन पीस का हम पुलाव बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने एक मुट्ठी भर पुदीना और थोड़ी सी धनिया ली है। ये सब धो के अच्छे से मैंने मिक्सर के जार में पालक और धनिया, एक हरी मिर्च, मिर्च की जो क्वांटिटी है वो अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसका मैंने एक पेस्ट बनाया है, पानी मैंने इसमें नहीं डाला था। तो पालक आप काट कर डालेंगे तो जल्दी पीसेगा। यहाँ पे 6 कटोरी पानी मैंने गर्म करने के लिए रखा है। अब हम पुलाव की तैयारी करते हैं। कुकर में मैंने यहाँ पे पुलाव बनाया है तो इसके लिए 1 बड़ा चम्मच घी लिया है। इसमें कटा हुआ प्याज जो है एक मैंने यहाँ पे डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट है वो 1 बड़ा चम्मच डाला है। आप यहाँ पे घी या तेल कोई भी एक भी यूज़ कर सकते हैं। पुदीना मैंने जो कटा हुआ रखा था वो भी इसमें डाला है और हम अच्छे से इसको 1-2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। ग्रीन पीस डाला, उसके बाद हम इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं। कसूरी मेथी मैंने 1 बड़ा चम्मच लेकर इसमें डाल दी है। ये सब हम फ्राई करेंगे अच्छे से और ग्रीन जो पेस्ट हमने बनाई थी वो इसमें मैंने ऐड की है। अभी सोक किया हुआ चावल जो है वो हम इसमें डालेंगे। उससे पहले 2-3 मिनट तक इसको अच्छे से भूनना है ताकि पालक हमने ब्लांच करके नहीं लिया था तो इसका कच्चा जो स्वाद है वो जाएगा, इसलिए हमने इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूना है तेल में। नमक मैंने इसमें डाला है 1/2 बड़ा चम्मच। 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे मैंने पुलाव मसाला या फिर बिरयानी मसाला जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप डाल सकते हैं या फिर गरम मसाला भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो पानी हमने गरम करने के लिए रखा था वो इसमें मैंने ऐड कर दिया और दूसरी तरफ मैंने कुकर रखा है और बनाना के स्लाइस हम फ्राई करने के लिए लेंगे। तो सिर्फ 1 बड़े चम्मच तेल में हम ये सब स्लाइस फ्राई करेंगे। तो ये थोड़ी देर में, मतलब 2 मिनट के बाद मैंने इसको टर्न किया है तो अच्छे से वो भून चुके हैं। और देखिए आप, तेल जो है वैसे की वैसा ही है, ज़्यादा तेल इसने सोक करके नहीं लिया है। दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो गया है और कुकर की भी 4 से 5 सीटी हो गई है और हमारा पुलाव भी रेडी है। और ये जो हमने बनाना स्लाइस बनाए थे वो भी हमारे फ्राई करके रेडी है। दूसरा बैच मैं अभी इसमें डालूंगी और तेल बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं करूंगी। रायता मैंने बनाया है, 1 छोटा सा प्याज लिया है और कुकुम्बर 1/2 लिया था। इसमें ही मैंने थोड़ा सा दही, नमक और शक्कर डाल के फिर से इसको अच्छे से चॉप किया है और चॉपर में बहुत ही जल्दी हो गया। तो ये हमारा रायता भी तैयार है, पुलाव भी तैयार है। बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट पुलाव, एकदम खिला खिला हमारा ग्रीन पीस राइस तैयार है। इसके साथ बनाना के जो स्लाइस है वो भी तैयार है। बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी टिफ़िन है आज का। ऐसे ही आसान सी और हेल्दी रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और नई नई रेसिपीज देखने के लिए फिर मिलेंगे। थैंक यू।